बाजी अपने मंगेतर से फ़ोन पे बात कर रही थी। फिर आमिर भाई ने कुछ कहा जिसको सुनकर बाजी ने कहा, जान आज मूड नहीं है, प्लीज़ कल कर लेना। फिर थोड़ी देर बात करने के बाद बाजी ने कॉल कट कर दी और मेरी तरफ देखने लगी। मैंने पूछा, बाजी क्या बात है? बाजी बोली, यार आमिर फ़ोन पे मज़े करने का कह रहा था, मैंने मना कर दिया। फ़ोन पर मज़े का भी मुझे बाजी ही ने बताया था। मैंने कहा, वो क्यों? बाजी बोली, आज तुम्हारे साथ करूँगी। मैंने कहा, मेरे साथ कैसे? तो बाजी ने कहा, देखती जाओ मेरी लाडो रानी। फिर बाजी ने मुझे अपने साथ लगा लिया और मेरे ऐसा करने से मेरे अंदर गुदगुदी होने लगी। ऐसे ही मस्तियाँ करते करते फिर हम दोनों ऐसे ही सो गए। बाजी की शादी तक हर रात मैं और बाजी बराबर वाले कमरे में अम्मी अंकल और नसीम आंटी का प्रोग्राम देखते और बाजी मेरे साथ मस्तियाँ करती, साथ साथ फ़ोन पर अमर भाई से भी मज़े करती। फिर वो दिन आ गया, बारात वाले दिन मैंने अमर भाई को पहली बार देखा था। खूबसूरत नौजवान थे, 6 फुट कद, वर्जिशी जिस्म, गोरा रंग, काले आंखें। स्टेज पर दुल्हन बनी नबीला के साथ आमिर की जोड़ी बहुत प्यारी लग रही थी। नबीला बाजी ने आमिर से मेरा तारुफ करवाया और मानी खेज नज़रों से इनको देखा। आमिर भाई ने भी मुझे गौर से देखा। इस वक्त तो मुझे ये सब नॉर्मल लगा, लेकिन बाद के वाक़यात ने यह साबित कर दी कि इनका देखना मानी खेज क्यों था। सारी रिस्मों के बाद बाजी नबीला ब्याह कर रुखसत हो गई। शादी वाले दिन मेरे अब्बा और दोनों भाई भी आए थे, जो रात वहीं रुके और दूसरे दिन वलीमे पर शिरकत के बाद अपने घर वापस आ गए। घर आकर अम्मा की वही रूटीन रही, शरीफों के साथ मज़े जारी थे। जब अब्बा घर नहीं होते थे तो अम्मा की मोजी लग जाती थी, लेकिन अब चूँकि मैं बाजी नबीला से मज़े करने के बारे में सब कुछ जान चुकी थी और अम्मा का नसीम आंटी और स्टार अंकल के साथ लाइव शो भी देखा था, तो मुझे इन सब बातों में मज़ा आने लगा था। शादी से वापसी के कुछ दिन के बाद की बात है कि एक शाम मेरी कमर में दर्द उठा, जिसके बाद रात को पेट में भी हल्का हल्का दर्द महसूस होने लगा। सुबह उठकर जब मैं पेशाब करने गई तो मैंने देखा कि कुछ लाल लाल है। मैं समझ गई कि यह माहवारी है, क्योंकि नबीला बाजी इस बारे में मुझे बता चुकी थी। मैंने फारग होकर अम्मा को बताया तो अम्मा मुझे पकड़कर अपने कमरे में ले गई और दरवाज़ा बंद करके अलमारी से एक पेड़ निकाला और मुझे पेड़ बांधने का तरीका बताया और कहा कि जब ये पेड़ ज़्यादा गंदा हो जाए तो इसको बदल लेना। मुझे हल्का हल्का सा बुखार था, जो कि बकौल अम्मा की माहवारी की वजह से था। खैर, मेरी पहली माहवारी 5 दिन चली, इसके बाद मैं नहाई। इस दौरान मेरी तबीयत चिड़चिड़ी रही। साइक ने मुझसे 2-3 बार इस बारे में पूछा, लेकिन मैंने उसे पका दिया। नहाने के बाद मेरे जिस्म में से मीठी मीठी सी खारिश होने लगी। मैंने रात को खारिश की तो मुझे मज़ा और सरसूर आसा आने लगा। मैंने तेज़ी के साथ मसलना शुरू कर दिया। अचानक मेरा जिस्म उकड़ना शुरू हो गया और ऐसे लगा जैसे पानी की नहर निकलने वाली है, और मैं लंबे लंबे सांस लेती अपने बेड पर ढेर होकर इस बारे में सोचती हुई सो गई। सुबह उठी तो मेरी तबीयत एकदम तरोताज़ा